वहीं यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। सपा ने कांग्रेस को जो 17 सीटें प्रस्तावित की थी उनमें से वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जबकि अमरोहा और बागपत में प्रभारी देकर एकला चलो के अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। दोनों दलों के बीच कल देर रात भी सीटों पर वार्ता हुई। कांग्रेस मुरादाबाद, बिजनौर और बलिया की सीट चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सीटें देने को तैयार नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का निमंत्रण तो स्वीकार किया, पर अपनी घोषणा के मुताबिक वो रायबरेली या अमेठी में इस यात्रा में शामिल नहीं हुए। अखिलेश ने स्पष्ट कर दिया है कि सीटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले वे इस यात्रा में शामिल नहीं होंगे। जिस तरह से सपा अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है, उससे साफ हो गया है कि अब दोस्ती की गुंजाइश नहीं बची है। तो टूट की कगार पर इंडिया गठबंधन, सीटों पर अब तक बात नहीं बनी। मुरादाबाद, बिजनौर, बलिया सीट चाहती है कांग्रेस, तो लेकिन इन सीटों को सपा देने के लिए तैयार नहीं है। न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। तो टूट की कगार पर इंडिया गठबंधन पहुंच गया है। सपा ने कांग्रेस को जो 17 सीटें प्रस्तावित की थी उनमें से वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, जबकि अमरोहा और बागपत में प्रभारी देकर एकला चलो के इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं। तो वहीं न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए अखिलेश यादव। तो टूट की कगार पर इंडिया गठबंधन जो है वो पहुंच गया है। सीटों पर अब तक बात जो है वो नहीं बन पाई। मुरादाबाद, बिजनौर, बलिया सीट चाहती है कांग्रेस, तो यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। सपा ने कांग्रेस को जो 17 सीटें प्रस्तावित की थी उनमें से वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो सीटों पर अब तक जो बात है वो नहीं बन पाई है। वहीं अखिलेश यादव न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश के संपादक राघवेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, यूपी में भी क्या लगता है इंडिया जो है अब गठबंधन टूट की कगार पर है, क्योंकि सपा ने जो कांग्रेस के जो 17 सीटें प्रस्तावित थी उनमें से वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतार दिया है, और यदि अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल नहीं हुए। देखिए कविता जी, इंडी गठबंधन लिए कुछ खास नहीं घट रहा है। राहुल गांधी जहां जहां यात्रा कर रहे हैं वहीं इंडी गठबंधन टूट रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत बंगाल से हुई, फिर बिहार, फिर पंजाब, अब उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, माना जा रहा था दोनों दल मिलकर लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देंगे। यहां भी कल के घटनाक्रम के बाद से लगता है कि अब इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव नहीं रह पाएंगे, उनकी गुंजाइश नहीं है, और कांग्रेस में भी कहीं कहीं तनातनी है। सबसे बड़े वजह इसके पीछे है कि अखिलेश यादव जो सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं वह मुस्लिम बहुल नहीं है, और कांग्रेस की इच्छा है कि जहां मुसलमानों की संख्या अधिक है उन सीटों को लिया जाए। उसके लिए उन्होंने शामली, करैना, बनारस, लखीमपुर खीरी, इन सीटों की सूची दी थी, और इन सीटों पर पहले से अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फिर दोस्ती के आसार बन रहे हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा था कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश आएगी तो उसमें शामिल होंगे, लेकिन कल परसों दो दिन के घटनाक्रम में उन्होंने साफ कहा जब तक सीट शेयरिंग का मामला साफ नहीं हो जाता तब तक वह यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और यात्रा में शामिल भी नहीं हुए।
आज यात्रा राहुल गांधी की उन्नाव से कानपुर होकर जा रही है, उसमें भी अखिलेश यादव शामिल नहीं होंगे। और कांग्रेस भी 80 सीटों पे अपनी तैयारी शुरू कर दी है, वह चाहती है कि 80 सीटों पे चुनाव लड़े, क्योंकि अखिलेश यादव को भी डर है कि अगर मुस्लिम सीटों पे कांग्रेस को लड़ने का मौका दिया गया, एक बार मुसलमान अगर भारतीय कांग्रेस को वोट कर दिया तो दोबारा उसके पाले में मुसलमान वोट नहीं आएगा और 2027 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव को भारी पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी अपनी सियासी स्वार्थ है, इसी के नाते दोनों दलों में गठबंधन की स्थिति नहीं बन पा रही है। और सबसे बड़ी वजह है जिन सीटों पे मुस्लिम अधिक है उसी पे समाजवादी पार्टी भी मजबूती लड़ना चाहती है, उन्हीं सीटों पे कांग्रेस भी लड़ना चाहती है। अब एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है और इसी के नाते दोनों दलों में आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी गठबंधन का जो फार्मूला है तय नहीं हो पाया, सीट शेयरिंग तय नहीं हो पाई है। अखिलेश यादव 22 से अधिक सीटों पे अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, अगर प्रत्याशी विड्रा करते हैं तो उसका भी संदेश खराब जाएगा। तो इससे साफ हो गया कि अब अखिलेश यादव पीछे नहीं हटेंगे और कांग्रेस भी अपनी 80 सीटों पर तैयारी शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि दोनों मिलकर किस तरह चुनाव लड़ते हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी की भूमिका क्या होगी उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा सवाल यही अभी सियासी हलकों में तैर रहा है। क्योंकि अंदर खाने से सूचना आ रही है कि कांग्रेस का नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में है, जबकि मायावती कई बार इसका खंडन कर चुकी हैं कि वो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगी। तो इससे साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और कांग्रेस तीनों दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जो एक रणनीति बनाई गई थी अब वो कितना कारगर होगा है तो वक्त बताएगा। इतना जरूर है कि जिस तरह से एका की बात की गई थी, चुनाव नजदीक आते आते वह एका उत्तर प्रदेश में भी बिखरती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राघवेंद्र जी, जो इंडिया गठबंधन की बात है वो इसलिए ही की गई थी, उनका मकसद ही था कि मोदी जी को हराना, लेकिन जो मकसद में कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। यदि अखिलेश यादव की बात करें, अखिलेश यादव भी जो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और सोच समझकर जो डिसीजन है वो ले रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव इस समय चौतरफा घिरे हुए हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव भी होना है, 10 सीटों का चुनाव होना था जिसमें 11 प्रत्याशी मैदान में, तो तय मानिए कि मतदान होना 27 फरवरी को मतदान होगा और इसमें समाजवादी पार्टी को 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें जीतने के लिए दरकार है। यहां भी रणनीति है, अगर कांग्रेस से दोस्ती नहीं होती है तो तय मानिए कि 2 सीट जो कांग्रेस के विधायक है वह वोट भी समाजवादी पार्टी का कम हो सकता है। तो आने अगर इतना बड़ा रिस्क लेके अखिलेश यादव कांग्रेस से एक तरह से बातचीत कर रहे हैं, एक तरह से ना कर रहे हैं इंडी गठबंधन में शामिल होने के लिए, तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखा रहे हैं, उनको उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लड़ाई पीडीए को लेकर शुरू हुई थी आपस में बिखरती नजर आ रही है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीडीए छोड़ा, अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं, कल दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में उनका कार्यक्रम होना है, उसी तरह पल्लवी पटेल जो अपना दल की नेता है, कुर्मी राजनीति करती है, वो भी कहीं ना कहीं पीडीए को लेकर मुखर हो रही है। तो कुल मिला के आपसी सामंजस्य इन लोगों में आपस में नहीं बन पा रहा है, इसी नाते इंडी गठबंधन बिखर रहा है। और सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस अपनी हैसियत धरातल पे भी नहीं आंक पा रही है। अमेठी रायबरेली का दौरा हुआ, लखनऊ में भी अखिलेश राहुल गांधी आए दौरा किए, लेकिन कांग्रेस किस हैसियत से कहां लड़ेगी इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पा रही है। उसके पीछे कौन कौन से वोट बैंक है ये भी तस्वीर साफ नहीं है। जो नारा अखिलेश यादव पीडीए का दे रहे हैं वही नारा राहुल गांधी भी जनजाति जनगणना को लेकर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि कहीं अब दोनों दल डर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो वोटों का बिखराव हो जाएगा, क्योंकि वोटों की लड़ाई है। जो वोट बैंक समाजवादी पार्टी का है उसी वोट बैंक पर राहुल गांधी भी शेर लगाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बात अखिलेश यादव को ठीक नहीं लग रही है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर हम एक बार कांग्रेस से दोस्ती कर लेते हैं, पिछड़ा ओबीसी और अल्पसंख्यक अगर कांग्रेस के पाले में एक बार चला गया तो फिर पलट कर उनके पास नहीं आएगा। 1992 की जब बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी उसके बाद से ओबीसी और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन बना था और मुलायम सिंह यादव सियासत में उरूज पर गए थे, लेकिन अगर वह कॉम्बिनेशन टूटता है उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव के लिए भारी पड़ेगा। यही वजह अखिलेश यादव जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वह कांग्रेस को देना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्या लगता है जिन सीटों पर कांग्रेस जो है अपने प्रत्याशी को उतारना चाहती है, लेकिन जो सपा है सपा अपने प्रत्याशी घोषित कर दी, तो क्या कोई दोस्ती की गुंजाइश रहेगी भी? देखिए बातचीत का दौर चलना चाहिए, आपसी सामंजस्य हो सकता है दोस्ती हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी वजह है बनारस की सीट। बनारस से आते हैं अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह अपनी कई महीनों से तैयारी कर रहे थे। उनका मानना था कि बनारस से कांग्रेस लड़े और मोदी को मजबूत मुकाबले में टक्कर दे, लेकिन जिस तरह से कल अखिलेश यादव ने बनारस से प्रत्याशी खड़ा कर दिया, प्रतापगढ़ में कांग्रेस चाह रही थी टिकट, प्रतापगढ़ में प्रमोद तिवारी का कार्यक्षेत्र है, रत्ना सिंह वहां से कांग्रेस की सांसद हुआ करती थी, अब अगर वहां भी प्रत्याशी खड़ा कर दिया तो कांग्रेस को भी सोचना है कि
उसका जो आधार जो जिले हैं जो वोट है लोकसभा की सीटें अगर वहां पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है तो वह किस हैसियत से वहां लड़ेगी। इसके अलावा शामली करना मुजफ्फरनगर जो पश्चिम के सीटें थे संभल वगैरह यहां पे भी टिकट कांग्रेस मांग रही थी लेकिन वहां पे अखिलेश यादव ने पहले से प्रत्याशी घोषित कर दिया। देखिए कविता कुल लड़ाई यहां पर अल्पसंख्यक वोटों को लेकर चल रही है। अब इसमें पीछे कौन हटेगा कौन कुर्बानी देगा सबसे बड़ा सवाल यही है। कांग्रेस पीछे हटती है या समाजवादी पार्टी? अगर मुस्लिम वोटों को लेकर कोई एक आपसी राय नहीं बनती है तो तय मानिए कि यह गठबंधन अब बिखर चुका है। अखिलेश यादव प्रत्याशियों का चयन लगातार कर रहे हैं, उनके पास संगठन भी है। कांग्रेस को तय करना है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, चूंकि उसका संगठन का जो आधार है वह जिले स्तर पर बहुत मजबूत नहीं हो पाया है। हालांकि जिला अध्यक्ष है, बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन 35 साल से जो पार्टी सत्ता में बाहर उत्तर प्रदेश से उसके कार्यकर्ताओं में जोश की कमी है और कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसी तरह से गठबंधन को बचाकर एक बार लड़ा जाए और अपनी जो पृष्ठभूमि में अपनी जो जमीन है उत्तर प्रदेश में तैयार की जाए। लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरह से प्रत्याशियों का चयन किया जिस तरह से धनाधन घोषणा कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि कांग्रेस से अब दोस्ती की गुंजाइश बची है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।